एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। वैसे तो नॉर्मली जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है वो स्टेशन से ही होता है या रास्ते से स्टार्ट होता है, तो आज मैंने वो नहीं बनाया। आज मैं डायरेक्ट यहाँ पर आकर, सिटी में आकर मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आई हूँ आज फ्रैंकफर्ट, ये भी जर्मनी का एक बिग सिटी है, और अभी हम आए हैं और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा फिरेंगे, देखेंगे इस सिटी को। और मैंने अभी यहाँ पर ली है आइस्ड कॉफी। डांके। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो हॉट कॉफ़ी लेने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये ले रही हूँ। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ये यहाँ पे इन्होंने इतना जाइंट सा यूरो का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स भी मिलती हैं और नई बिल्डिंग्स भी मिलती हैं। और इसके अलावा ये ना मल्टी कल्चरल है, ये वाला जो सिटी है ना, यहाँ पर पाकिस्तानी भी बहुत हैं, इंडियंस भी बहुत हैं और जर्मन्स भी बहुत हैं, और उनकी शॉप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं देसी। तो यहाँ पर आके सबसे ज़्यादा मज़ा यही आता है कि यहाँ पे चीज़ें देसी मिल जाती हैं। अभी भी चलते हुए आसपास के लोग इतने ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी मिल रहे थे, तो पता चल रहा था कि पाकिस्तानी हैं क्योंकि वो उर्दू बोल रहे थे, तो इसका बड़ा मज़ा आता है। अभी हम जा रहे हैं एक सिटी सेंटर में, तो उसके लिए अभी हम ये ट्रेन लेंगे, फिर मैं आपको वहाँ चल के दिखाती हूँ। मैं अभी यहाँ पर आई हूँ गलेरिया में, ये एक बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ पर तकरीबन सब ब्रांड होते हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर एक ही शॉप के अंदर सारे ब्रांड्स होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है बैग्स की, शूज़ की, ज्वेलरी की, ड्रेसेस की। तो मुझे ये वाला बैग ना बहुत प्यारा लग रहा है, ये गैस का, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। आई डोंट नो इस वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, बट वैसे देखने में ये बहुत प्यारा है। यहाँ से ऊपर से सारा सिटी सेंटर नज़र आ रहा है, और अभी सनसेट भी हो चुका है, और अभी यहाँ पर बिल्डिंग्स की जब लाइट्स ऑन होंगी तो ये और ख़ूबसूरत व्यू नज़र आएगा। अभी ये इन्होंने नीचे की लाइट्स ऑन की हैं बस अभी, और इनका सिटी सेंटर बहुत बड़ा है। ये बिल्डिंग्स की अभी लाइट्स ऑन होंगी तो ये और भी ख़ूबसूरत लगेगा, और यहाँ से ये व्यू भी बड़ा प्यारा आ रहा है। लाइट्स ऑन कर दी हैं, और अभी यहाँ पे जब बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑन होंगी ना, ये प्रॉपर ऑफिसेज की, तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। और आज ये वेदर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। और हम जहाँ ये जिस मॉल में आए हैं गलेरिया, तो ये बहुत बड़ा मॉल है, इसकी काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं। इससे ऊपर जो है वो लास्ट फ्लोर है, और वहाँ पे फुल एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इन्होंने, और नीचे भी यहाँ पे कॉफ़ी शॉप बनाई हुई है, ये जैसे ये रखी हुई हैं। यहाँ पर ये सारी शॉपिंग चीज़ें हैं, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर शॉपिंग्स के।
यहाँ आने का एक ये बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पे शॉप्स टू शॉप आपको फिरना नहीं पड़ता है सारी ब्रांड्स में, यहाँ पर सारी ब्रांड्स एक ही जगह पर आपको अवेलेबल होती हैं, तो ये ज़्यादा टाइम सेविंग भी लगता है और यहाँ पर अच्छा भी लगता है क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फिरना नहीं पड़ता कि आप हर एक शॉप्स पर जाकर तो नहीं विज़िट करें, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो उससे बेहतर यही लगता है कि आप सारी ब्रांड्स को एक ही जगह पर ही विज़िट कर लें। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है इसके निस्बत कि मैं शॉप्स टू शॉप्स जाऊं और वहां पर जाकर कोई चीज़ें देखूं। ये है जी यहां पे रात का व्यू और इतना ज़्यादा रश हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है और यहां पे कुछ आयत चल रही है इसके अंदर जो कि इतने शोर में अभी समझ भी नहीं आएगी। अभी हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली है रिजर्व से और यहाँ से कुछ शॉपिंग भी की है और अभी हम जा रहे हैं इधर ज़ेलांडो आउटलेट पर आए हैं, ज़ेलांडो आउटलेट पर यहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे लास्ट टाइम मोमेंट पे ये ज़ेलांडो से भी शॉपिंग हो गई है और अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हमने सुबह से जब से हम आए हैं बस हमने कॉफ़ी भी गुजारा किया हुआ है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी हम सारी शॉपिंग वगैरह करके फ्री हो गए हैं तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं, वही देखते हैं कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो जो क्रीम, तो उधर चलते हैं और खाना खाते हैं और फिर मैं आपको दिखाते हैं। ये हम आए हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और ये हमने ऑर्डर किया है सीख कबाब और उसके साथ ये मैंगो लस्सी, नान, राइस विद बटर चिकन, तो हम ये खाते हैं एंजॉय करते हैं और फिर मैं आपसे बाद में खाने के बाद मिलते हैं। हम सारा खाना खा चुके हैं और कबाब तो इतने टेस्टी थे ना, आउटस्टैंडिंग। मैंने यहाँ पर जर्मनी में इस तरह के कबाब नहीं खाए, मैंने 2-3 रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं पाकिस्तानी बट वो उनके जैसे नहीं था। कबाब बहुत टेस्टी थे और इनकी क्वान्टिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मैंने मंगवाई है देसी चाय, कड़क चाय। है रेस्टोरेंट का नान नूरी, पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड और इनके पास बहुत यमी यमी फूड होते हैं, तो इनके इनको तो मैं पॉइंट्स दूँगी 10 out of 10 और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा खाना था। जो भी अगर फ्रैंकफर्ट आए तो यहाँ का ज़रूर खाना खाए। यहाँ पर इनके पास चना चाट भी है और समोसा चाट भी है और काफ़ी सारी वराइटीज़ हैं।